हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इफ sec x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन 4 अल्फा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर व्हेन वी हैव टू प्रूव दैट sec x प्लस tan x इज ईदर 2 अल्फा और 1 अपॉन 2 अल्फा। तो क्या करो तुम लोग, पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखो, sec x प्लस tan x देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, What is the line of thinking? तो जो हमने identities पढ़ी थी उसमें identity number, number तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमने वो पढ़ा था कि sec square minus tan square x 1 होता है। उससे मैंने एक drive किया था कि sec x plus tan x and sec x minus tan x are what? Reciprocal of each other। तो वो fact मैं use करूँगा, ठीक है, वो fact use करूँगा। कैसे? तो मैंने मान लिया जो मुझे निकालना है मैं उसको t मान लेता हूँ। तो मैंने बोला sec x plus tan x is equal to t, क्लियर है। फिर मैंने, अगर ये t के बराबर है तो sec x माइनस tan x क्या होगा, मैंने बोला sec x माइनस tan x क्या होगा मेरा, दिस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 1 बाय t, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, अब दिख रहा है मुझे sec x दिया है अल्फा के टर्म्स में, ठीक है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो उससे मेरा sec x आ जाएगा। तो चलो ऐड कर देते हैं, तो मेरा आया 2 टाइम्स sec ऑफ x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाय t। अब sec x की वैल्यू मैं उठा के इधर रख रहा हूं, sec x की वैल्यू मैं उठा के इधर रख रहा हूं इस इक्वेशन में, तो मेरा क्या आ जाएगा, t निकालना है मुझे बेसिकली, क्योंकि जो निकालना है उसी को तो मैंने t माना है, ठीक है। तो मैंने इधर रखा 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 बाय 4 अल्फा इक्वल्स टू t प्लस 1 बाय t, फिर यहां से मैंने लिखा 2 अल्फा प्लस 1 बाय 2 अल्फा इक्वल्स टू t प्लस 1 बाय t। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो, एक तो क्या है कि तुम यहीं से डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो, क्या, इफ यू कंपेयर डायरेक्टली इवन से t इज 2, सॉरी इधर ये 2 अल्फा है, डायरेक्टली कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं हम कि t क्या है हमारा 2 अल्फा के बराबर है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा t हमने इसी को माना था। या फिर एक काम और कर सकते हो, क्या, कि इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, इसको जस्ट टेक एलसीएम, तो क्या मिलेगा तुम्हें, t में क्वाड्रेटिक मिलेगा, तो उससे t की दो वैल्यू आएंगी, एंड यू विल सी की जो वैल्यूज आ रही है वो यही आ रही है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक तो क्या बोल सकते हम यहीं से ऑब्जर्वेशन से, फ्रॉम दिस वी कैन डायरेक्टली से कि t इज 2 अल्फा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, t को मैं 2 अल्फा रखूंगा इधर, 1 बाय 2 अल्फा, तो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये 1 बाय 2 अल्फा हो जाएगा, लेकिन फिर ये 2 अल्फा हो जाएगा, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर 2 वैल्यूज ऑफ t, दैट इज 2 अल्फा एंड 1 बाय 2 अल्फा, हैंस प्रूव्ड। बट मैंने क्या बोला, ठीक है, अगर हम ऑब्जर्वेशन से नहीं बताना चाहते, हम प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या करें, हम इधर एलसीएम ले लेते हैं, टी में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो मैं वैसे भी कर रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें एलसीएम लिया, तो इधर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी बाय 2, ये तो एलएचएस में हो जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा आरएचएस वाला पार्ट, एक मिनट रुको, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी, यू नॉट 2, इट इज टी इज इक्वल टू, इधर से देख लेते हैं, तो 2 अल्फा प्लस 1 बाय 2 अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है। अब देखो, मैंने देखा टी स्क्वायर, अब टी को उधर मल्टीप्लाई करके फिर मैं एलएचएस में लेके आया टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस टी टाइम्स 2 अल्फा प्लस 1 बाय 2 अल्फा प्लस, और मेरा उधर हो गया ये कितना था, टी स्क्वायर प्लस, जस्ट अ सेकेंड, इधर मैंने एलसीएम लिया, तो ये 1 है एक्चुअली, दिस इज 1, तो मेरा क्या आया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर भी क्या है ना, हम ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं इसके रूट्स, हालांकि कैसे, देखो अब मैं इसको 1 को क्या लिख रहा हूं, देखना ध्यान से देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, टी स्क्वायर माइनस टी टाइम्स 2 अल्फा प्लस 1 बाय 2 अल्फा प्लस, इस 1 को मैंने ऐसे लिखा 2 अल्फा इंटू 1 बाय 2 अल्फा, लिख सकता हूं मैं। अब ये जो है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, किसमें, हम ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, तो इफ यू कंपेयर सम क्या है 2 अल्फा प्लस 1 बाय 2 अल्फा, प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है, तो हमारे रूट्स क्या हो गए, डायरेक्टली मैं यहां से बोल सकता हूं टी इज इक्वल टू 2 अल्फा कॉमा 1 बाय 2 अल्फा। अब ऐसा भी कर सकते हो तुम कि माना तो मैं मान लो ऐसे क्लिक नहीं कर रहा इस 1 को, मैं ऐसे कैसे मान लो नहीं क्लिक किया 1% के लिए मान लिया, तो डायरेक्टली इस वाले इक्वेशन में तुम वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, क्वाड्रेटिक वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, तो भी तुम्हारी टी की यही वैल्यू आएगी, दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड इन आदि शर्मा आल्सो और सीनेज में भी ये क्वेश्चन दिया होगा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम, तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं।
याद रखना sec x plus tan x वाला, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा sec x plus tan x and sec x minus tan x are what reciprocal of each other। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एग्जांपल नेक्स्ट, इफ x टाइम्स साइन ए माइनस वाई टाइम्स कॉस बी सॉरी कॉस ए इक्वल्स टू जेड। और फिर मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो क्या करो, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो पहले अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन, देखते हैं क्या हमें क्लिक करता है क्या नहीं। तो देखो सबसे पहली बात कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज एक्स साइन अल्फा एक्स साइन ए इंटू माइनस वाई कॉस ए, क्या होगा माइनस एक्स वाई साइन ए कॉस ए, और इन दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या होगा प्लस एक्स वाई कॉस ए साइन ए। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, देखना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो अब इसको देख के मेरे को क्या क्लिक करना चाहिए। और एक बात और है कि जैसे अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है और इधर से आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, वो एडिशन होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है। तो क्या किया हमने, जो निकालना है दैट इज एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए, इसको एक मिनट के लिए टी मान लिया। अब मैंने क्या बोला तुम्हें दोबारा एक बार, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट को अगर मैं ऐड करूं, इधर क्या आएगा माइनस एक्स वाई साइन ए कॉस है, इधर आएगा प्लस एक्स वाई साइन ए कॉस है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है। तो अब मैं कैसे सोचूं कि मैं क्या करूं, तो क्या किया हमने इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। क्यों कर रहा हूं मैं स्क्वायर करके ऐड, देखो क्या हो रहा है हमारा, जब स्क्वायर करूंगा तो इधर से आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इधर से आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, उधर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन हो जाएगा, तो ए खत्म हो गया। फिर y स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर a, अगेन y स्क्वायर कॉमन लूंगा तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, तो y स्क्वायर खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं दोबारा स्ट्रेस दे रहा हूं, अभी भी दिया मैंने, कि इधर से आएगा माइनस टू एक्स वाई साइन ए कॉस है, इधर से आएगा प्लस टू एक्स वाई साइन ए कॉस है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, लेट से मैंने अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला इसको 2 बोला, तो मैं क्या कर रहा हूं स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 1 का स्क्वायर मतलब इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर और दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो देखो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है, मैं देखो लिख नहीं रहा हूं स्क्वायर करके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आंसर, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो गया, प्लस अब प्लस पे आते हैं वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर है, साइन वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन वो 1 हो गया। फिर मैंने बोला लास्टली इधर से आएगा माइनस टू एक्स वाई साइन ए कॉस है, इधर आएगा प्लस टू एक्स वाई साइन ए कॉस है, वो क्या हो जाएगा जीरो, तो उसको लिख नहीं रहे इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या हो गया जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर। अब देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया, ये हमें टी निकालना है ना, बेसिकली टी को प्रूफ करना, हमने इसी को टी मारा है जो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना है, तो दिख रहा है यहां से जेड को इधर लेके जाऊं तो क्या जाएगा हमारा फाइनली टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड लास्टली यू विल गेट टी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी टी की वैल्यू, वही तो हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। तो वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्यूशन को कॉपी करो और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और हमारा नेक्स्ट डाउट सेशन में आरडी शर्मा है, ठीक है ना, मैंने जिसके मैंने लिंक भेज दी थी जहां से तुम लोगों को आरडी शर्मा डाउनलोड करना था, और अगर किसी का नहीं हो पा रहा है डाउनलोड, ऐसा कुछ रीजन हो रहा है मतलब नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है वो सर्वर मतलब उधर फाइल रिमूव कर दी उस साइट से, ऐसा अगर कुछ रीजन होता है तो लेट मी नो, आई विल सेंड इट, ठीक है ना, स्नैपशॉट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर क्वाड्रेटिक। बट ये याद रखना कि नेक्स्ट सेट आउट सेशन जब भी हमारा होता है, आई थिंक वेनसडे को होता है, ठीक है ना, इधर हाँ वेनसडे को होता है, तो उस दिन वो डिस्कस होगी, और उससे पहले तुम लोगों को उसके डाउट्स भेजने मुझे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा है बट इंटरेस्टिंग है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 16, हमें निकालना है इसकी वैल्यूज। तो चलो पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो और फिर मैं तो बताऊंगा ही सही। तो क्या करें हम, व्हाट इज द
प्रोसीजर मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, देखो लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगी हमारी कि ये पाई बाय 16 है, पहली बात ऑब्जर्व करना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना सीरीज के, मतलब जैसे चार पांच टर्म्स को ऐड किया है, तो जस्ट फोकस ऑन एंगल्स, एंगल से मेरा मतलब है कि वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री पता है क्या होता है, जिन एंगल्स का एडिशन इज 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री मतलब जिनका एडिशन इज 180 डिग्री। तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली दीज टू एंगल्स आर वॉट कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम पाई बाय 2 है, तो यहीं से मेरे को हिंट लगना चाहिए। क्या करूं मैं, इस 16 पाई बाय 16 है ना, जो 7 पाई बाय 16, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। देखो एक बार, क्योंकि मैंने बोला ना ये और इन दोनों का एडिशन क्या है, 8 पाई बाय 16 विच इज पाई बाय 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, क्लियर है। और इसका मैंने क्या ले रखा है कॉस, ठीक है। सिमिलरली फोकस ऑन दीज टू एंगल्स, दीज आर अगेन सप्लीमेंट्री, तो मैं इस 15 पाई बाय 16 को, या फिर इसको भी कोई भी एक चलेगा, जैसे मैंने इसको लिखा ना अभी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, इसको भी तुम लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 16, वन एंड द सेम थिंग, बट किसी भी एक को करना है चेंज। अब मैं इस पाई बाय 16 को क्या लिख रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, दिस इज द मेन फोकस एरिया हमारा। क्वेश्चन मिला तो हमें सबसे पहले एंगल्स पे फोकस करना है। अब क्या किया, अब हम यूज कर रहे हैं, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया टर्म, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस, अब इस टर्म पे आते हैं, तो ये लिखा है कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो हमें पता है सॉरी कॉस स्क्वायर है ये, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने बताया था जब पाई बाय 2 का होता है तो हम क्या करते हैं कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो पक्का ये साइन तो होगा ही होगा। अब प्लस होगा माइनस होगा वो कैसे मैटर करता है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो पॉजिटिव होगा इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। तो पहले तो मैंने इसको अलग अलग लिखा, कॉस ऑफ दिस इंटू कॉस ऑफ दिस, फिर दोनों को साइन साइन लिख दिया, तो कंबाइन करके क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर पाई बाय 16, समझ में आया। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं, मैंने लिखा ये वाला तो मैंने एज इट इज लिखा, प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस, अब ये मेरा हो गया क्या लिखा है, ये कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, अगेन दैट इज व्हाट साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16। अब देखो, अब फोकस ऑन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, क्या लिखा है ये, अगर मैं इस पाई बाय 16 को थीटा बोलता हूं तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी नो ये तो आइडेंटिटी है, दिस इज नथिंग बट 1, दैट इज ट्रू फॉर ऑल थीटा, लिखवाया था मैंने थीटा हम कुछ भी रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आएगा, थीटा इज व्हाटएवर, हाँ जैसे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसमें तो लिमिटेशन भी था कि हम थीटा को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं डाल सकते, या फिर उसके बाद जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, उसमें हम मल्टीपल ऑफ पाई नहीं डाल सकते, लेकिन इस वाली आइडेंटिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इधर हम थीटा कुछ भी डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स हमें रियल डालना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे तुम 1 करोड़ एंगल डाल दो, 1 करोड़ डिग्री, 2 करोड़, व्हाटएवर, दिस इज दिस आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू, तो इधर से आया 1, एंड सिमिलरली हियर आल्सो sin cos square theta plus sin square theta that is 1, तो फाइनली हमारा क्या आया 1 plus 1 equals to 2, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, एक स्मार्ट क्वेश्चन है थोड़ा। चलो तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देखो सिग्मा टाइप का इन्वॉल्वमेंट है, मैंने लिखा फाइंड आर इज इक्वल टू 1 से 9 साइन स्क्वायर आर पाई बाय 18, ठीक है ना, आर पाई बाय 18। पहले तो हम इसमें सिग्मा का मतलब समझते हैं, सिग्मा मतलब क्या होता है, बाकी इसका डिटेल डिस्कशन हम सीक्वेंस सीरीज में देखेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए मैं सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे पहले मैं इसको शॉर्ट एग्जांपल से बता देता हूं, मैंने लिखा सिग्मा आर स्क्वायर और लिखा आर गोज फ्रॉम 1 से लेट से 5 लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करेंगे हम इसमें, पहले आर की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 स्क्वायर, फिर सिग्मा मतलब क्या होता है सम, सिग्मा मतलब सम, अभी के लिए हमने याद रख लिया, फिर क्या रखेंगे इसमें, क्या बोला आर गोज फ्रॉम 1 से 5 तो पहले 1 रख दिया मैंने, अब क्या रखूंगा 2, तो इधर आएगा 2 स्क्वायर, फिर क्या रखूंगा 3 तो 3 स्क्वायर, फिर 4 रखूंगा तो 4 स्क्वायर, एंड लास्टली 5 रखूंगा तो 5 स्क्वायर, 5 के आगे नहीं रखूंगा बिकॉज ने 5 तक बोला है, आर इज इक्वल टू 1 से 5 ये पूछा है, तो समझ में आया क्या करना है, बेसिकली हमें आर की वैल्यू रखनी है, कहां से कहां रखनी है, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक हमें इसमें आर की वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा, पहले मैंने आर इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या हो गया साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस, फिर मैंने आर इज इक्वल टू 2 रखा तो क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 18,
फिर मैंने रखा प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 18 फिर मैंने रखा 5 तो साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 18 अब देखना मैं इसके नीचे टर्म्स लिख रहा हूं इसके नीचे कैसे लिख रहा हूं 5 तक तो हो गया मेरे को लेकिन 9 तक जाने का है तो अभी 6 7 8 9 4 और बचे अब मैं क्या कर रहा हूं 4 को ऐसे इस उल्टा लिख रहा हूं उल्टा लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन के लिए बाकी तुम ऐसे भी लिख सकते हो मैंने कहा 6 लिखा इधर मैंने तो जी क्या हो गया साइन स्क्वायर 6 पाई बाय 18 प्लस फिर 7 रखा तो साइन स्क्वायर जस्ट अ सेकंड चलो ठीक है साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18 और लास्टली साइन स्क्वायर 9 पाई बाय 18 तो मैंने 9 के 9 r की वैल्यूज रख दी r गोज फ्रॉम 1 टू 9 तो 9 टर्म्स हो गए हमारे पास अब क्या करें अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा देखो ध्यान से सोचो वीडियो पॉज करके सोचो कैसे अगर मान लो जिसका नहीं आया अभी तो वीडियो पॉज करके सोचे कैसे मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री टाइप चीज तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन है पाई बाय 18 और इन दोनों का सम देखो क्या आ रहा है अच्छा इन दोनों का नहीं आ रहा तो इन दोनों का देखो मैंने बोला ये वाला जो एंगल है जस्ट फोकस ऑन दिस एंगल दैट इज दिस वाला पाई बाय 18 और 8 पाई बाय 18 इन दोनों का एडिशन देखो क्या आ रहा है पाई बाय 2 आ रहा है 9 पाई बाय 18 मतलब 8 पाई बाय 2 तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18 क्लियर है इसको टर्म को मैं एज इट इज लिख रहा हूं अभी इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूं अब आते हैं इस पे तो 2 पाई बाय 18 7 पाई बाय 18 अगेन दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री तो इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 18 क्लियर है और अभी दो टर्म और बचे हमारे जस्ट अ सेकंड हाँ दो एक 1 से लेकर 9 तक हो गया हमारा ठीक है अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ठीक है 3 पाई बाय 18 और 16 पाई बाय 18 अगेन दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 18 और ये दोनों जो एंगल है ये भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है 4 पाई बाय 18 प्लस 5 पाई बाय 18 पाई बाय 2 होता है तो अगेन मैं क्या लिख रहा हूं इस 5 पाई बाय 18 को लिख रहा हूं पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 18 यहां तक क्लियर हो गया होगा अब देखो इसको तो मैं अलग से डील कर रहा हूं ये तो बेसिकली क्या लिखा है 9 से अगर मैं 18 को कैंसिल कर रहा हूं 2 टाइम्स आएगा तो दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाय 2 एंड वी नो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 क्या होगा 1 इंटू 1 मतलब 1 होगा ये तो मेरा 1 लिखा हुआ है दिस इज 1 अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और अब मैं इसको अगर ये साइन लिखा है जब मैं इधर साइन लगाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्या हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 18 तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा 1 ये 1 तो मैं इधर लिख रहा हूं 1 प्लस सिमिलरली दीज टू टर्म्स ये अगेन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 18 और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 18 है तो दोनों का एडिशन क्या हो गया अगेन 1 फिर इन दोनों का एडिशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 18 क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन दैट विल बी 1 और लास्टली ये दोनों टर्म्स क्लब हो जाएंगे हमारे ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 18 इस बार कॉस लगाओगे तो कॉस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 18 सॉरी कॉस स्क्वायर 4 पाई बाय 18 और साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 18 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 तो कितने बार एडिशन हो गया 5 बार 1 1 का तो आंसर हो गया हमारा 5 क्लियर है तो क्या सीखने मिला अभी हमें लास्ट दो क्वेश्चन से कि जब भी इस टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चन आए ना जैसे कुछ टर्म्स हैं उसमें फाइनाइट ही है ऑफ कोर्स ये तो जस्ट फोकस ऑन द एंगल्स कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या होगा ऑफ कोर्स क्या होगा साइन वाला कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस वाला साइन में वाइस वर्सा या फिर टेन वाला कॉट में होगा कॉट वाला टेन में होगा एंड लास्टली सेक वाला कोसेक में होगा कोसेक वाला सेक में होगा ठीक है चलो तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी ठीक है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखना ये भी छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छा है मैंने बोला टेन ऑफ 1 डिग्री इंटू टेन ऑफ 2 डिग्री इंटू टेन ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन ये जाता जा रहा है और लास्ट तक आ रहा है टेन ऑफ 89 डिग्री वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज प्रोडक्ट में है सम नहीं है प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म है मैंने बोला टर्म्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने
तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 डिग्री से, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री टिल 89 डिग्री. तो टर्म्स कितने हमारे टोटल 89 टर्म्स है. 89 टर्म्स से पहली बात तो ये. अब क्या करें, क्या तुम लोग वीडियो पॉज करके अगेन सोचो ठीक है कि क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें 10 में ऐसे ये सब एंगल्स की वैल्यू तो नहीं पता ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हमें तो मैक्सिमम 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, ठीक है 90 पता है, 0 डिग्री पता है, 0 से 90 की बात कर रहा हूं मैं. तो ये बीच में जो एंगल्स है वो तो मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब कुछ ट्रिकी पार्ट हो रहा होगा यूज. अब ट्रिकी पार्ट क्या है, अगेन वही चीज, कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट फोकस कि 1 और 89 क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन पार्ट आई 2 है. अब इधर इसके पहले क्या आएगा, 88 डिग्री आएगा, तो अगेन 2 एंड 88 डिग्री और अगेन कॉम्प्लीमेंट्री. अच्छा मुझे बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो मैंने जैसे कि अभी होता है साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, तो वैसे क्या होता है टेन कॉट में कॉट टेन में कन्वर्ट होता है. क्यों, क्योंकि जैसे 10 89 डिग्री दिया है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री विच इज नथिंग बट सॉरी टेन ऑफ 90 माइनस कॉट थीटा, सॉरी टेन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो दिस इज कॉट ऑफ 1 डिग्री. क्लियर है. सिमिलरली जो 88 डिग्री वाला होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉट ऑफ 2 डिग्री, फिर 87 वाला होगा वो कॉट ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा. अच्छा अब मैं क्या यूज करूं फैक्ट, अब मैं ये चीज यूज करता हूं कि साइन सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, ऑब्वियसली बात है. ये क्या साइन अपॉन कॉस, ये कॉस अपॉन साइन, तो साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से कैंसिल, वी विल गेट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1. तो इससे मेरे को क्या मिला, देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक बार दोबारा सीरीज लिख रहा हूं, बीच की टर्म्स भी लिखता हूं एक दो, उसके बाद हम देखते हैं. तो मैंने लिखा इधर से स्टार्ट किया, लेट्स से टेन ऑफ 1 डिग्री, फिर टेन ऑफ 2 डिग्री, टेन ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन, फिर मैं थोड़ा डेड डैश लगा रहा हूं. अब मैं बीच की कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं देखो, फिर मैंने लिखा टेन ऑफ 43 डिग्री, टेन ऑफ 44 डिग्री, टेन ऑफ 45 डिग्री और टेन ऑफ 46 डिग्री, टेन ऑफ 47 डिग्री और फिर लास्ट की दो तीन टर्म्स लिख रहा हूं, तीन इधर की लिखी तो तीन आखिरी की लिख देता हूं. तो मैं लिखा टेन ऑफ 87 डिग्री, टेन ऑफ 88 डिग्री और टेन ऑफ 90 डिग्री, सॉरी 89 डिग्री, टेन 90 तो अनडिफाइंड होता है ठीक है, टेन ऑफ 89 डिग्री. अब देखो नाउ फोकस इट, जैसे कि मैंने बताया था 1089 क्या है, 10 ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री विच इज कॉट ऑफ 1 डिग्री. तो ये वाला जो टर्म है ये और ये क्या, मैंने क्या बोला कॉट ऑफ 1 डिग्री, तो 10 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री, अभी मैंने लिखा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया लास्ट के दो टर्म्स का 1 हो गया, तो ये खत्म हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया, तो 1 लिख दिया. अब 1 मल्टीप्लीकेशन में तो लिखूं नहीं लिखूं बात बराबर है. फिर मैंने लिखा 10 2 डिग्री और ये कितना मेरा 1088, और 1088 को मैंने क्या बोला कॉट ऑफ 2 डिग्री, क्या लिखूंगा 10 ऑफ 90 माइनस 2 डिग्री विच इज कॉट 2 डिग्री, तो अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया. तो क्या हो रहा है पीछे से टर्म सिमेट्रिक जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट से मेरा मतलब उनका प्रोडक्ट 1 हो रहा है. सिमिलरली 10 3 डिग्री इनटू 10 87 डिग्री अगेन इट विल बी 1 बिकॉज 3 एंड 87 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ऐसे करते करते क्या होगा जब आगे बढ़ते जाएंगे इधर हम पीछे आते जा रहे हैं, तो ये 43 है ये 47 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगेन इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 10 ऑफ 90 माइनस 43 डिग्री, तो ये मेरा किसमें हो जाएगा कॉट ऑफ 43 डिग्री, तो अगेन 10 40 इंटू कॉट 43 1 हो गया. फिर एक और टर्म आप कैंसिल करते, एक और क्लब कर देते हैं, ये हो गया मेरा अगेन दिस 44 और 46 अगर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट से मेरा मतलब प्रोडक्ट 1 हो गया और 1045 तो मुझे पता है 1 होता ही है. तो बेसिकली क्या लिखा है 111, मैंने तुमसे पूछा 111 कितनी बार लिखा है, ऑफ कोर्स ऐसे तो प्रोडक्ट 1 आ गया, आंसर तो हमारा आ गया 1, बट फिर भी मैंने ऐसे पूछा कि 1 कितनी बार लिखा है, तो हमें क्या मिलेगा देखो 1 से लेके 44 तक और पीछे के 44 टर्म्स हर एक बार 111 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके कारण आ गया मेरा 1 × 1 × 1 कितनी बार आ गया 44 टाइम्स, और एक और वन आया बिकॉज ऑफ 1045, तो आंसर क्या हो गया 1. क्लियर है समझ में आया, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इट इज अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन किस, अब इसके अब आधार पे हमारा एक फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है, हालांकि पता होता है बट वो इसका एप्लीकेशन हो गया. क्लियर है, चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं इसको रब कर देता हूं पहले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस ऑफ 10 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 100 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 150 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 160 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 170 डिग्री। ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, और मैं बताता हूं। तो देखो, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस किए थे हमने, उसमें हमने क्या फोकस किया था, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, मैंने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब स्टेप तो मैंने ये बोला कि फर्स्ट फोकस ऑन द एंगल्स। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा, मेरा साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा टेन कॉट में और सेक कॉस सेक में, वाइस वर्सा। बट अगर सप्लीमेंट्री होगा तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, हम क्या सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि एंगल का एडिशन इज पाई, तो फिर साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, ठीक है ना, बिकॉज वी नो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, चाहे कोई भी एंगल ले लो। मैंने बोला कि आपने उस क्लास में पढ़ा था, मैंने कहा साइन हो चाहे कोई भी हो, चलो इधर मैंने ऐसे लिख लिया, टी स्टैंड फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैंने बोला एन पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज इधर प्लस माइनस टी ऑफ थीटा, मतलब अगर इधर मल्टीपल ऑफ पाई यूज होता है तो मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर लिखा होता है वही इधर लिखा होता है, भले ठीक है प्लस माइनस आया था वो बात की बात है, वो डिपेंड करता है कि एन क्या है और एन भी क्या है और टी भी क्या है, उस पर डिपेंड करता है, बट प्लस माइनस के बाद जो टी होता है वो सेम होता है, मतलब साइन का साइन में रहता है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक एंड सेक का सेक। अब मैंने देखा, ध्यान से देखो, अब एंगल्स पे फोकस करो, अब तुम क्या देखोगे, एंगल्स जो एंगल्स है ना, पीछे से एंगल फोकस करो, ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री है क्योंकि टेन प्लस 170 क्या होता है 180। तो मैंने बोला इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फिर इसको लिख सकता हूं मैं कॉस ऑफ 180 माइनस 10 डिग्री, एंड वी नो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो दिस इज माइनस कॉस 10 डिग्री। क्यों होता है, उस दिन हमने सीखा था जैसे कॉस ऑफ कैसे स्टार्ट किया था, 180 माइनस 10 डिग्री लिखना, मान लो तो मैंने क्या बताया था, वन मल्टीपल ऑफ पाई है तो कॉस का कॉस में रहेगा, ठीक है, फिर मैंने बोला प्लस होगा या माइनस, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या हो गया माइनस कॉस 10 डिग्री। क्लियर है, तो अब सिमिलरली सेकंड और सेकंड लास्ट, इस वाले टर्म को सेकंड लास्ट का एंगल देखो, मैंने बोला ये 20 डिग्री है और ये 160 डिग्री है, अगेन दीस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 180 माइनस 20 एंड दैट विल बी माइनस कॉस 20, सिमिलरली दिस विल बी 180 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 30, और ये मेरा क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, जस्ट अ सेकंड, हाँ कॉस ऑफ 180 माइनस 80 तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 80। क्लियर है, तो अब देखो कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कैंसिल आउट हो गए, एडिशन में लिखा है, ठीक है ना, कॉस 20 माइनस कॉस 20 कैंसिल आउट, कॉस 30 मतलब इधर से कैंसिल करते हैं, चलो ठीक है माइनस कॉस 30 कैंसिल, कॉस 80 माइनस कॉस 80 कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला हमें, आर्यभट्ट मतलब जीरो, ठीक है ना, आर्यभट्ट। क्लियर है, समझ में आया, तो इधर हमने क्या सीखा कि एंगल्स में अगर सप्लीमेंट्री हो तो कैसे डील करेंगे, ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेम ही कैटेगरी का है, और आई होप वीडियो पॉज करके सभी लोगों को आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लू उसके बाद पॉज करो और कॉपी करो, सॉल्व करो, टेन ऑफ 2π/11 प्लस टेन ऑफ 4π/11 प्लस टेन ऑफ 7π/11 प्लस टेन ऑफ 9π/11 प्लस टेन ऑफ 10π/11 है इधर, ठीक है 10 नहीं 11 है, हाँ तो करो वीडियो पॉज करो, कॉपी सॉल्यूशन करो, और कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस की तरह एक बार सोच के देखो, और मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो देखो अगेन क्या करें हम, ये एंगल ध्यान से देखो, पाई बाय 11 प्लस 10π/11 क्या हो गया 11π/11 मतलब पाई, और पाई मतलब सप्लीमेंट्री हो गया, तो अगर सप्लीमेंट्री है तो फिर क्या करूं मैं,
उस वाले एंगल को, उसको या फिर इसको, किसी भी एक को चेंज करो। इसको भी मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ, जैसे चलो उसमें हमने पीछे से क्लब किया था, इसमें हम आगे से क्लब करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो क्या टेन लिखा है बाहर, और ये लिखा है पाई माइनस टेन पाई बाय इलेवन, क्लियर है। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन ऑफ पाई माइनस नाइन पाई बाय इलेवन, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों। लास्टली मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, टेन ऑफ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो पाई सप्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, पाई माइनस सेवन पाई बाय इलेवन, क्लियर है। ये मैंने पहले टेन टर्म्स लिखी, पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, हमने आगे से किया, क्लियर है। अब मैंने बोला टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा इज पाई है, इसका मतलब टेन का टेन में रहेगा, और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ टेन ऑफ टेन पाई बाय इलेवन, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ सिमिलरली टेन ऑफ नाइन पाई बाय इलेवन, एंड लास्टली दिस इज माइनस ऑफ टेन ऑफ सेवन पाई बाय इलेवन। अब देखो टर्म्स कैंसिल हो रही है हमारी, कैसे कैंसिल हो रही है, देखो ये वाला माइनस टेन पाई बाय इलेवन है, ये इस वाले से सेकंड लास्ट, सेकंड टर्म लास्ट टर्म से कैंसिल, फिर ये वाला सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म से कैंसिल, थर्ड टर्म हमारा थर्ड लास्ट टर्म से कैंसिल, तो क्या हो गया आंसर, फाइनली वी विल गेट अगेन आर ए बट जी जीरो, क्लियर हुआ बच्चों। चलो तो पॉज करो, जिसने नहीं किया था वो कॉपी करे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आया, ये तो करना ही चाहिए, ठीक है ना, दिस क्वेश्चन सभी का आना चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, दिस इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन। मैंने क्या बोला, सभी का आना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई का नहीं छूटना चाहिए ये क्वेश्चन, सभी का आना चाहिए। तो और मैं तो अभी बता ही रहा हूं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। तो लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे होगी, इधर तो साइन कॉस में दिया है, इधर टेन में दिया है, तो एक तरीका तो क्या है कि हम इधर साइन कॉस में कन्वर्ट करके हम इस साइड चले जाते हैं, इस साइड चले जाते हैं, या फिर हम क्या करें इधर एलएचएस से आरएचएस की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, अब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इधर जो एक्सप्रेशन है उसमें सब में टेन इन्वॉल्व है, RHS में tan involved है। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ ना, प्रोसीजर टू थिंक कि हम कैसे अप्रोच करें, ठीक है, ध्यान से सुनना एक स्टेप में जो बोल रहा हूँ, इधर tan involved है, इधर sin cos involved है, तो इसका मतलब अब मेरी दूसरी लाइन, ठीक है, मैंने ये नोटिस कर लिया कि भाई RHS में tan है, अब मेरा सेकंड थॉट क्या होगा कि tan है, इसका मतलब एक आइडेंटिटी बताया मुझे tan और sec को रिलेट करने वाली, कौन सी, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि ठीक है ये टेन में कन्वर्ट है, टेन में है, अगर मैं इसको सेक में कन्वर्ट कर लूं तो भी काम चलेगा, क्योंकि सेक से टेन में आराम से जा सकते हैं, और टेन टेन ही तो मुझे लाना है। तो अब मेरा टारगेट क्या हो गया, इसको इसको कन्वर्ट करना है मेरे को सेक थीटा में, मतलब सेक एक्स में, थीटा की जगह इधर एक्स, तो क्या करें हम, तो देखो क्या किया हमने, इसको सेपरेट किया टर्म्स को, तो इसको लिख ला साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ये तो क्लियरली दिख रहा है, कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, क्या एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो दिस विल बी वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, चलो पूरा पूरा पर लिख लेते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मेरा क्या बनेगा। अब देखो इसमें क्या किया, थोड़ा सा क्या किया हमने, एक साइन के नीचे तो एक कॉस लिख लिया और एक कॉस स्क्वायर को अलग से लिख लिया, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं इसको, साइन एक्स अपॉन cos x और इसको लिया वन अपॉन कॉस पर x। अब देखो ध्यान से, अब ये मेरा जो एक्सप्रेशन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan x और sec x में, कैसे, इसको तो मैंने लिखा tan x और वन अपॉन कॉस स्क्वायर को लिखा sec स्क्वायर x प्लस, और ये sec स्क्वायर x है ही मेरा, क्लियर है। अब मैंने बोला क्या मुझे RHS हो तो tan के टर्म्स में चाहिए, तो क्या करूं, जहां जहां भी sec है उसमें मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये तो हो गया tan x बाहर लिखा है, इसका मल्टीप्लाई है sec स्क्वायर x से, तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये तो अपने आप में है ही, sec स्क्वायर x को क्या लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, तो क्या आ जाएगा tan x प्लस tan x * tan स्क्वायर x tan क्यूब x प्लस ये हो गया 1 प्लस, और ये लास्ट में tan स्क्वायर x,
तो देखो क्या वही टर्म्स आ रही है हमारी, 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो समझ में आना चाहिए तुमने हमने कैसे स्टार्ट किया। हमने ये देखा था सबसे पहले कि इधर टेन एक्स है तो हमें बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए कि हाँ टेन एक्स है तो मतलब सेक एक्स में अगर हमने कन्वर्ट कर लिया एल एच एस को तो हम उधर से टेन एक्स में जा सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो वही हमने फोकस किया, हमने देखा कि इधर हम किसी हालत में सेक एक्स ला सकते हैं कि नहीं, तो हमें मिला हाँ यार ला सकते हैं। ठीक है चलो तो पॉज करो कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू, ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये तो बनना ही चाहिए सबसे, ठीक है ना। दिस यू शुड मेक इट, ठीक है ना, दिस यू हैव टू प्रूव दैट इज दिस इज 10x। ये हम 9 टेंथ में पढ़ते हैं वैसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज, तो इसमें क्या बोलते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है सच क्वेश्चन कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, जो भी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है टेन कॉट सेक कॉस सेक जहां जहां दिया उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और सिंप्लीफाई करो। अगर सही सॉल्व करोगे एक एक स्टेप, कहीं सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो फाइनली तुम्हारा आ जाएगा एलएचएस आरएचएस के बराबर। तो क्या किया मैंने इधर अपना साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो लिखा ही है। अब इसको मैंने लिखा 1 प्लस सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स और इसको 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। अब शायद क्लिक कर भी गया होगा, अब तो वैसे ओरली तुम कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। एलसीएम लोगे तो इधर क्या आएगा कॉस एक्स प्लस 1, इधर क्या आएगा साइन एक्स प्लस 1, तो चलो लिख लेते हैं। तो लिखा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो गया मेरा, इधर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और इसको ऐसे लिखा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो ऊपर साइन एक्स चला गया, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स इससे कैंसिल, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स नथिंग बट टैन एक्स। तो दिस इज प्योरली टेंथ बेस, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था वो प्रॉपरली हमारा टेंथ के बेसिस पे था। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec square theta प्लस tan square theta इंटू cosec square theta प्लस cot square theta equals to 1 प्लस 2 sec square theta cosec square theta। करो इसको वीडियो पॉज करो और इसको तुम लोग सॉल्व करो। अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो देखो अगेन कैसे सोचे हम आरएचएस में क्या sec और cosec है, तो डेफिनेटली हम क्या करें इसमें आरएचएस को क्या करते हैं sec और cosec में कन्वर्ट कर देते हैं। अब sec, अब इधर हमारा tan theta इन्वॉल्व है तो tan theta से sec theta कैसे जाते हैं यूजिंग द सेकंड आइडेंटिटी sec square theta minus 1 और cosec square theta तो चाहिए ही मुझे, cot square theta इन वो है इधर तो उसको मैं क्या करूं cosec में कन्वर्ट करने के लिए थर्ड आइडेंटिटी cosec square theta minus 1। उतना करते हैं फिर देखते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि एक बार तुमने इस RHS, LHS को cosec और sec में कन्वर्ट कर लिया फिर तो ओपन करना है ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते करते अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है तो चलो करते हैं। तो मैंने लिखा पहले तो मैंने इसको sec square theta को as it is लिखा sec square theta प्लस इसको लिखा sec square theta minus 1। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एंटायर LHS क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओनली sec theta और cosec theta, व्हाई बिकॉज़ RHS में sec theta और cosec theta इन्वॉल्वड है। तो मेरा इधर आ गया ये cosec square theta as it is copy और फिर cot square theta को cosec square theta minus 1। यहां तक क्लियर है। चलो अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। तो इसको लिखूंगा 2 sec square theta minus 1 into 2 cosec square theta minus 1। क्लियर है तो अब देखते हैं क्या आता है हमारा फाइनली। तो इसको ओपन किया मैंने ब्रैकेट को, ठीक है ना, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हो जाएगा 4 sec square theta cosec square theta, ठीक है, फिर ये 2 plus 2 sec square theta minus 2 cosec square theta plus 1। तो हमारा कुछ उस टाइप का आया, तो अभी तो नहीं आया तो मतलब थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत कैसे करें, देखो एक तो 1 तो आ गया मेरा, ये 1 तो मेरा आ गया, ठीक है, इसका मतलब बाकी का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, ये बनना चाहिए मेरा,
बाकी का सिंप्लीफाई होके मेरा ये बनना चाहिए। अब देखो ध्यान से, याद है कल एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने, कल एक फॉर्मूला बताया था सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। रिकॉल करो किसका बात कर रहा हूं मैं। मैंने बोला एक तो मैंने दो चीज फॉर्मूले बताए थे, एक तो लिखा था प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिफरेंस, उसमें दो फॉर्मूले थे, क्या कहते हैं पहले डिफरेंस वाला बताता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली एक और क्या था डिफरेंस वाला, अपना कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो क्या डिफरेंस वाला, प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिफरेंस। देन मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम में कौन सा फॉर्मूला था, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब वो लगा देते हैं हम इधर, कैसे आता है ये, देखो इधर से इधर जाना बहुत आसान है, कैसे इसको लिखो वन अपॉन साइन स्क्वायर, इसको वन अपॉन कॉस स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज वन, और डिनोमिनेटर में आएगा सेक स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूफ भी देखा था इसका, ठीक है। अब मैं वो चीज लगा रहा हूं, तो देखो अब कैसे कर रहा हूं मैं, कहने का मतलब मैंने इस पर फोकस किया, ये लिखा है फोर सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अगर मान लो मैं इधर फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या हो गया, फोर कॉसेक स्क्वायर सेक थीटा कितना हो गया, फोर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस फोर सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या लिखा है मेरा, जस्ट अ सेकेंड, अपन ने कुछ ओके ये माइनस लिखा, ये गलत है, ये माइनस है, ठीक है, दिस इज माइनस, वेरीफाई कर लो, बिकॉज ये तो टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा तो मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से, तो माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा तो अब मैं ये लिख रहा हूं माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या तो ऐसे कर लो या फिर इसको भी चेंज कर सकते हैं वाइस वर्सा, बोथ वे इक्वल टू, इसको क्या कर लिख सकते थे माइनस टू साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इधर से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता सेक स्क्वायर, चलो वो कर लो ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा अपना, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो क्या करो इन दो इस वाले टर्म्स को क्लब करो। द रीजन इज इधर प्रोडक्ट में दिया है ना, तो मैं सम वाला प्रोडक्ट में ब्रेक करूंगा तो अगले स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, इधर तुम्हारा अभी सम में आएगा, फिर सम में दोबारा तुम प्रोडक्ट में लगाओगे, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको स्टेप कर अप करके, अब इसको इसको तो मैंने एज इट इज लिखा फोर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू टाइम्स इधर लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस वन तो अलग से दिया ही है। अब मैं बोलो इस चीज को आई कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अब फोर माइनस टू टाइम्स कितना होगा टू टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस वन तो दिया ही है, और यही तो हमारा आरएचएस में दिया है। देखो ध्यान से, क्लियर है बच्चों, चलो तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो ये हमारा sec की पावर 4x माइनस cosec की पावर 4x माइनस टू sec स्क्वायर x प्लस टू cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू 15 बाय 4। एक बार चेक कर लेता हूं, और हमें निकालना है टेन एक्स की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ टेन एक्स। एक बार देख लेते sec की पावर 4x माइनस cosec स्क्वायर cosec की पावर 4 माइनस टू sec स्क्वायर x प्लस टू cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 15 बाय 4। करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्ट है, तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, ज्यादा सीखने मिलेगा। तो हम करते हैं, तो सबसे पहले क्या किया इसमें, क्वेश्चन देख के sec sec वाले टर्म एक साथ क्लब किया और cosec वाले एक साथ किए, तो मैं क्या करूं इन दोनों टर्म्स को क्लब किया और इन दोनों टर्म्स को क्लब किया। तो देखो इन दोनों में से मैंने sec स्क्वायर x कॉमन लिया, तो क्या आ गया sec स्क्वायर x, और इधर क्या बचेगा sec स्क्वायर x माइनस टू, देख लो एक बार, क्लियर है। चलो फिर मैंने लिखा इन दोनों में से, अब मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, अब हाँ ये दोनों टर्म्स है ना, इन दोनों में से, इन दोनों में से मैंने माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, मैं लिया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा इधर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस टू, देखो और ये हमें दिया है इज इक्वल टू 15 बाय 4, क्लियर है। यहां पे देखो ओपन कर लो इसको, देखो इधर आएगा माइनस कोसेक की पावर 4 माइनस कोसेक, और ये होगा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर, मतलब परफेक्ट लिखा है अभी तक। चलो अब क्या करें, अब देखो मुझे पूछा टेन एक्स है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि sec से छुटकारा पड़ जाए, मतलब 10x में कन्वर्ट हो जाए ये चीज, ठीक है। तो अब कैसे करें हम, तो देखो क्या किया इधर, तो मैंने एक मिनट के लिए sec square x रहने देता हूं, इसको लिखा sec square x minus 1
और माइनस वन, तो मेरा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, चलो इसको भी वन प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लो, वन प्लस, देखते हैं सारा कन्वर्ट, टेन सारा टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, देखते क्या बनता है, क्वाड्रेटिक या क्या क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो इसको क्या बोला मैंने, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन, और फिर जो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन है उसको मैंने लिखा tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस। अब क्या करें, तो अगेन इसको एक मिनट के लिए मैंने cosec, चलो वन प्लस cot स्क्वायर लिख देते हैं, वन प्लस cot स्क्वायर एक्स, और इसको अगेन क्या लिखा, cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन, तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हो गया, cot स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया मेरा cot स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 15/4। यहां तक क्लियर है, क्योंकि tan और cot तो आराम से हम इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे को। अब इधर देखते हैं क्या बना, तो देखो ये a a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मेरा डायरेक्टली इधर आ गया tan की पावर 4x माइनस वन, क्लियर है, माइनस इधर मेरा क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इधर आ जाएगा cot x की पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू 15/4। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो हो गया, तो ये वाला जो टर्म है दिस टर्म इज कैंसिल्ड बाय दिस वन। अब देखो ध्यान से, अब थोड़े मजेदार चीज आएगी, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाली, ध्यान से देखो, tan की पावर 4x माइनस cot की पावर 4x इज इक्वल टू 15/4। चलो यहां तक मैंने कर दिया, अब तुम अगेन पॉज द वीडियो, अगर मान लो जहां तक तुम्हारा नहीं आया था तो इसके बाद ट्राई करके बताओ क्या सोचा। तो ऑब्वियस सा थॉट क्या आएगा बच्चों के मन में कि tan x निकालना है, तो हम क्या करते हैं tan x में बना लेते हैं, तो ऑफ कोर्स cot x को क्या कन्वर्ट करें, 1/tan x लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा tan x की पावर 4 माइनस 1/tan x की पावर 4 इज इक्वल टू 15/4। ये आ गया मेरा, यहां तक जैसे बहुत से बच्चे क्या हुआ, यहां तक तो आराम से निकाल लेंगे, आराम से तो नहीं बोलूंगा हालांकि हाँ निकाल लेंगे इतना है बहुत से बच्चे, इसके बाद क्या सोचा जाए। तो देखो एक विदाउट दिमाग खर्च किए हुए, ज्यादा दिमाग का इन्वेस्ट ना करते हुए क्या करेंगे बहुत से बच्चे, tan x को t मानेंगे, LCM लेंगे, तो इधर क्या आएगा तुम्हारा टी में, मतलब ऐसे मान लो, नहीं तो tan की पावर 4x को t मान लो, एक तरीका क्या है, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, बताता हूं, तुम इसको कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं भी, ठीक है। मैंने बोला कि इसके बाद मेन डिस्कशन अब इसके बाद है, देखो अब थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, कैसे ट्रिकी पार्ट है देखना ध्यान से। मैंने बोला एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिसमें दिमाग कम खर्च होगा वो ये है कि मैंने बोला लेट tan x की पावर 4 इज इक्वल टू t, तो ये क्या लिखा है t माइनस वन बाई टी इज इक्वल टू 15/4, तो मेरा इधर से एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू 15/4, तो ये हो गया 4t² - 4 इज इक्वल टू 15t, तो 4t² - 15t - 4 इक्वल टू 0, तो यहां से तुम्हें t की वैल्यू आ जाएगी। चलो पूरा निकाल ही लेते हैं, मैंने बोला t इज इक्वल टू कितना आया 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर विच इज 225 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 16 16 into 4 64, तो ये हो जाएगा 64 होल डिवाइडेड बाय 8 2 8, तो एक मिनट प्लस है या माइनस है, माइनस 4 ऐसे होगा तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 225 प्लस 64 तो 9 और ये हो गया 8 289। अब 289 किसका स्क्वायर है, 17 का है ना, ये बात करके देख लो 17 का है, मैंने बोला 17 into 17, 7 7 49 7 1 7 plus 4 11 1 7 1, तो 9 8 2, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, अपना 17 का, तो मैं इसको हटा के 17 लिख रहा हूं अंडर रूट को, तो इसको फाइनली आई एम राइटिंग इट हियर एज t इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस क्या बना 17 बाय 8, तो मैंने पहले पॉजिटिव साइन लिया, तो क्या आएगा मेरा 17 प्लस 15 30 और प्लस 32 बाय 8 विच इज 4। अच्छा अब नेगेटिव लिया तो क्या आएगा मेरा माइनस 2 बाय 8 माइनस 1/4। अब मैंने ये तो t की वैल्यू आई, t मैंने माना किसको था tan की पावर 4x, अब tan की पावर तो इवन दिया है तो t इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हेंस दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, तो फाइनली मेरे को क्या मिला tan की पावर 4x इज इक्वल टू 4, तो इधर से आया tan स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, चलो ऐसे लिख लेते प्लस 2 कॉमा माइनस 2, फिर अगेन tan स्क्वायर x है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट, तो फाइनली हमें क्या आया tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, उससे मेरा आंसर क्या आया
tan x is equal to plus minus root 2. So this is the value of tan x. तो मैंने बोला उसके बाद ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो गया, ज्यादा दिमाग खर्च किए ना करते हुए हमने ऐसे निकाला. और मैंने बोला एक ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो. कैसे? अब देखना ध्यान से, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है? मैं रब कर रहा हूं इसको, जस्ट कॉपी दिस पार्ट. मैंने बोला अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको क्या लिखा, इधर लिख लेता हूं दोबारा. टेन की पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन टेन की पावर फोर एक्स. इस 15/4 को मैं लिख रहा हूं 4 - 1/4. देखो ध्यान से, सही लिखा है. 4 - 1/4 16 - 1 15/4. क्योंकि ऐसे क्लिक करना चाहिए, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का डिफरेंस 15/4 है. तो क्या मैं उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? तो आंसर मिलेगा यस. तो दिस इज अ ट्रिकी पार्ट. ऐसे सॉल्व करते हो तो तुम्हारा बहुत टाइम बचा. क्यों? अब तुमने उधर क्या किया, हमने इसको टी माना, फिर क्वाड्रेटिक बनाया, फिर उसमें भी हमारे रिजेक्ट हुए कुछ सॉल्यूशन क्योंकि नेगेटिव आ रहे थे. अब इधर तो क्या है, डायरेक्टली यू कैन कंपेयर, ये इसके बराबर होगा माइनस वन बाय, तो ये इसके बराबर अपने आप एडजस्ट हो गया ये. तो डायरेक्टली मेरे को क्या मिला, 10 की पावर 4x इज इक्वल टू 4. तो इधर से आया टेन स्क्वायर एक्स सेम प्रीवियस की तरह प्लस माइनस 2. तो चलो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस 2 ये रिजेक्ट हो गया, माइनस है तो टेन एक्स कितना आया हमारा प्लस माइनस रूट 2. तो ऑफ कोर्स सेकंड वन इज बेटर. तो यहां तक क्लियर हुआ? चलो तो फिर आज के एक काम करते हैं, आज का अपन यहीं एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगा ट्रिकों के बेसिस पे, आइडेंटिटीज के ऊपर. अब हम नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिटीज हमारा खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना? तो दैट्स इट आज के लिए. और अगर कोई भी डाउट आता है तो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है? और यू कैन सेंड मी द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आल्सो इफ यू वांट, कि सर मैंने ऐसे सोचा. तो सॉल्यूशंस आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? ओके, दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.